बन्नू बीफ नली प्लाव। पूरे मुतहत्तर ममारात में इस बन्नू बीफ नली प्लाव की धूम है। अजमान में इस बन्नू बीफ नली प्लाव की छठी ब्रांच की शानदार ओपनिंग हो रही है। अंदर चलते हैं और आपको इसकी ओपनिंग भी दिखाते हैं, यहाँ पे आने वाले मेहमानों से भी बात करते हैं और आपको इसके सिग्नेचर खाने भी दिखाते हैं। नित्य नए और मजेदार खानों की बेहतरीन मालूमात के लिए उर्दू पॉइंट फूड चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे वीडियोस बर वक्त देख सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और आज मैं आपको लेकर आया हूं बन्नू बीफ नली प्लाव। पूरे मुतहत्तर ममारात में इस बन्नू बीफ नली प्लाव की धूम है और आज यहाँ अजमान में इस बन्नू बीफ नली प्लाव की छठी ब्रांच की शानदार ओपनिंग हो रही है। अंदर चलते हैं और आपको इसकी ओपनिंग भी दिखाते हैं, यहाँ पे आने वाले मेहमानों से भी बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इस बन्नू बीफ नली प्लाव में क्या ऐसा स्पेशल है कि पूरे मुतहद्दर ममारात में इसके चर्चे हैं। लोग दूर दूर से और ढूंढ कर इस बन्नू बीफ नली प्लाव पर आते हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की ये जो सुगात है बन्नू बीफ नली प्लाव, इसको खाने के लिए आपको इसके सिग्नेचर खाने भी दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं इस बन्नू बीफ नली प्लाव में क्या स्पेशल है। नाज़रीन, बन्नू बीफ नली प्लाव की शानदार ओपनिंग हो चुकी है। ये यूएई का सबसे फेमस बीफ पुलाव है जिसने थोड़े ही अरसे में धूम मचा दी है और आज बन्नू बीफ नली प्लाव की छठी ब्रांच की अजमान में ओपनिंग हो चुकी है और यहाँ पे बन्नू बीफ नली प्लाव के ऑनर्स भी हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ साथ यहाँ पे सोशल मीडिया सुपरस्टार हैं और इन्फ्लुएंसर हैं छोटे भाई और बड़े भाई। वो यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट आए, उन्होंने यहाँ पे ओपनिंग की है, उनसे भी बात करेंगे। और हसन भाई यहाँ पे मौजूद हैं, उनके को पार्टनर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं छोटे भाई और बड़े भाई से। कैसा लगा बन्नू बीफ नली प्लाव? उसने तो धूम मचा दी, उसके साथ साथ आपकी धूम के साथ इनकी धूम भी शुरू हो गई है। जी माशाल्लाह, इनकी पहली जो ब्रांच ओपन है उनकी भी हमने ओपनिंग की थी और हम भी टेस्ट करते रहते हैं, खाते रहते हैं, स्पेशल अपनी फैमिली को भी लेके आते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, वाकई यूएई में नंबर 1 पे जा रहे हैं माशाल्लाह। आपको कैसा लगा? बीफ पुलाव की धूम तो है, आपको पसंद आया? माशाल्लाह जी, बहुत पसंद आया। स्पेशल हम रात को खाने आते हैं रात को, और ये हमारे लिए पार्किंग भी रखते हैं क्योंकि रात को ही हम फ्री होते हैं ज्यादा, तो रात को आते हैं। कितनी नलियां खाते हैं आप एक प्लेट में? जितनी बस नली, बस जितनी खाने हो जाए जितनी, बस उतनी आराम से लेकिन इनका ना माशाल्लाह टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा टेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। हसन भाई, ओपनिंग हो चुकी है माशाल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कामयाबी का राज तो जो है वो सबको ही पता है और नजर भी आ रहा है। क्या समझते हैं छठी ब्रांच और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस ब्रांच से आपको? बस यही है अल्हम्दुलिल्लाह। देखे जात भाई पहले नंबर पे, इनका शुक्रिया, छोटे भाई बड़े भाई का शुक्रिया, इनके भाइयों का शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया, आप आए। और ये भाई हैं, बड़े भाई हैं, इनका भी शुक्रिया और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी देख रहे हैं, आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम साबित कदम मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और अल्लाह पाक हमको इज्जत दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही टेस्ट है, वही डिशेस हैं जो आप बाकी ब्रांचेस पे दे रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस चीज़ को हमने कंट्रोल में रखा हुआ है और हम खुद भी ड्यूटी दे रहे हैं इसीलिए कि सब ब्रांचों का सेम टेस्ट निकले, किसी में डिफरेंट ना आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, आप भी देख रहे हैं एक साल में ये तकरीबन हमारी 3री ब्रांच ओपन हो रही है, तो उसका सबसे बड़ा यही है कि हमारी तवज्जो भी है, हम खुद भी काम जानते हैं। आप इतनी डिमांड, पाकिस्तानियों के अलावा बाकी नेशनलिटी के लोग भी खाते हैं, पसंद करते हैं? जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि फिलिपीनी, चाइनीज, अमराती, अफ्रीकन, मिस्री, सूरी, जॉर्डन, हर बंदा अल्हम्दुलिल्लाह जो खाता है ना वो अपनी कंट्री का नाम लेकर बताता है कि हमारी कंट्री में इसका ये नाम है। मुख्तलिफ लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बंदा नाराज होकर नहीं जाता, खुश होकर जाता है। बन्नू बीफ नली प्लाव के स्पेशल जो खाने हैं वो मेरे सामने आ चुके हैं। मुझे लगा कि यहाँ पे सिर्फ बन्नू बीफ नली प्लाव मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो इतने खाने हैं और वो भी ऐसे ऐसे खाने, ऐसे मुनफरिद खाने, इतने मुश्किल नाम कि मुझे आधा घंटा लगा उन खानों के नामों को याद करते हुए और ये वो खाने हैं जो आपको पूरे मुतहत्तर ममारात में किसी रेस्टोरेंट पर नहीं मिलेंगे। मटन लाहौरी है, चिकन लाहौरी है, ये इसका नाम भी इतना मुश्किल है, यम पम पुकारो। और ये क्या है इसका मुझे भी नहीं पता। आसन भाई आप आ जाए जरा मेरे साथ, और मुझे नाम भी नहीं आते कि इनके पूरे नाम क्या हैं। हसन भाई ये तो यम पम पुकारो, इसमें क्या खूबी, क्या स्पेशल है? ये हमने एक नई डिश लॉन्च की है और इसका नाम है यम पम पुकारो, बन्नू पुलाव पे आप आके पुकारो। बड़ी अच्छी डिश है, ठीक है। इसके साथ ये फिंगर फिश है, आप खा के चेक करें क्या टेस्ट है इसका। आपको फिंगर फिश है, आप देखिए है क्या चीज, कैसी लगी आपको फिश? जबरदस्त, ये बहुत मजे की फिश है यार। ये तो असल में मुंह जाते घुल जाती है। ये फिश नहीं है, ये बटरफ्लाई चिकन है। ये नई डिश हमने लॉन्च की है, ठीक है। ये चिकन है ये, और really मुझे लगा कि ये फिश है। हाँ जी, इतना टेंडर मीट है, इतना सॉफ्ट मीट इसका कि जब मैंने मुंह में डाला तो मुझे लगा कि वाकई ये फिश है, इन्होंने कहा है तो ये बाद में बता रहे हैं ये चिकन है। जी जी ये चिकन है। ये हमारे मेन्यू में बटरफ्लाई चिकन के नाम पे डिश है, एक बटरफ्लाई चिकन। बटरफ्लाई अजीब नाम है, बटरफ्लाई चिकन। और ये पड़ी हुआ है आपके पास, ये देखें, ऐसे लग रहा है फिश है लेकिन ये साबी है, ये विद सॉस है, ये भी चिकन है। ये देखें ये भी चिकन है, ठीक है, मुसाबी ये है। और ये भी यहाँ की स्पेशल डिश है, नई डिश लॉन्च किया। और इसके साथ साथ बारबेक्यू है, जो यहाँ पे फ्रेश बारबेक्यू यहाँ पे लगता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे सिर्फ देसी खाने नहीं है, वलायती खाने भी हैं। जो फास्ट फूड है, जो गोरों की खुराक हम जिसको कहते हैं, वलायती खाने भी यहाँ पे मौजूद है। आप देसी हैं, आपका तल्लक कहीं से भी है। जब आप बन्नू बीफ नली प्लाव पे आ जाते हैं तो बीफ प्लाव के अलावा आपको सब कुछ मिलेगा। ये देखिए ये ग्रिल बर्गर है, क्या कमाल के, ये चिकन ग्रिल बर्गर है, ये बीफ ग्रिल बर्गर है। उसके साथ साथ ये चाइनीज भी मौजूद है, ये इटालियन चिकन है ये, और उसके साथ साथ चाइनीज राइस है। तो क्या कमाल के यहाँ पे खाने हैं, मुनफरिद खाने हैं। जितने खाने यहाँ पे पड़े हैं तो मुझे तो गर्मी लग रही है, मैं जरा कोट उतार लूं। सबसे पहले जो इनकी सिग्नेचर डिश है बन्नू बीफ नली पुलाव, ये इसके ऊपर इतनी बड़ी नली से ही आपको अंदाजा हो जाता है कि ये वाकई ही नली पुलाव है। हसन भाई ये इस पुलाव में क्या नशा है, क्या जादू है इसमें कि लोग इस पे मरते हैं और दूर दूर से ये पुलाव खाने आते हैं। क्या जादू डाल दिया इसमें आपने? देखिए जादू तो नहीं, अल्लाह की रहमत है। सबसे बड़ी बात है एजाज भाई, हलाल तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ फ्रेश है। और सबसे बड़ी दौलत जो मेरे उस्ताद है, मेरे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सब एक साथ होके मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ पे तवज्जो है। तो हमने अपने पूरे रेस्टोरेंट पे एक ही म्यार रखा हुआ है कि हम किसी को भी ऊपर नीचे नहीं होने देते। कस्टमर उधर जाएगा बोलेगा टेस्ट नहीं है, इधर आएगा बोलेगा टेस्ट नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि हमने अपनी रेसिपी को कंट्रोल रखा हुआ है, मेंटेन रखा हुआ है। और हर चीज ये जैसा जायका कहीं और मिलता भी नहीं है। बिल्कुल अमारात में असल में ये सिग्नेचर डिश देने वाले यहाँ और हैं। बन्नू बीफ पुलाव आपने ही शुरू किया? बिल्कुल सर, कोरोना से पहले जात भाई हमने शुरू किया। तो हमको देख के तो हर रेस्टोरेंट में मेन्यू में दे दिया हुआ है बन्नू बीफ नली पुलाव। और जो पंजाबी के मसाला है, वो प्लेटी का बच्चा होता है, वो एक ही होता है। लोग जाते हैं, दोबारा नहीं जाते। लेकिन लोगों की पसंद का अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि इतनी डिमांड है कि आज इन्होंने 6ठी ब्रांच ओपन की है अजमान में। और कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी थी, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग मांगते होंगे यार अजमान में क्यों नहीं है, हमें शारजा दुबई आना पड़ता है। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें ये नली है, और इस नली के अंदर ये जो चीज है ना, यही खाने वाली है, और इसीलिए इसको कहते हैं बन्नू बीफ नली पुलाव। ये आपने बड़े प्यार से, बड़े आराम से इसमें से निकालना है और आपने इसके साथ खाना है। ये देखें ये चीज़ है खाने वाली। ये देखें ये चीज़ जो नली से निकली है, ये बन जाएगा बन्नू बीफ नली पुलाव। बन्नू बीफ नली पुलाव शायद अब आपने यूएई में भी खाए होंगे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये जो बन्नू बीफ नली पुलाव है आपको और किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा सिवाय इनका। ये जो मेरे पीछे लोगो देख रहे हैं, जहाँ पे आप ये लोगो देखें, बन्नू बीफ नली प्लाव, ये भी इनकी स्पेशल डिश है जिसका नाम ही मुनफरिद है, यम पम पुकारो। असल में ये क्या है? ये ग्रिल है, ये स्पेशल रेसिपी है, ये ग्रिल हुआ है चिकन। जी, ये बिल्कुल ग्रिल चिकन है, यम पम पुकारो। आप चेक करें खा के इसका कितना उम्दा टेस्ट है इसका, और जूसी है, देखे ना माशाल्लाह, वाह। असल ये होता है चिकन का कि चिकन जो मीट है, चिकन प्रॉपर टेंडर हुआ हो और जूसी है, देखें वाह। ये वाकई मुनफरिद है, क्योंकि बहुत से मैंने ग्रिल चिकन खाए हैं, लेकिन लाइफ में पहली दफा यम पम पुकारो खा रहा। एक तो नाम इसका इतना मुश्किल है, लंबा था, इसको पुकारना पड़ता है। देसी खानों के साथ साथ यहाँ पे फास्ट फूड भी मौजूद है, और मेरा सबसे फेवरेट ये चिकन ग्रिल बर्गर। और यहाँ पे देखते हैं कि इनका टेस्ट कैसे। असल भाई ये बहुत डिफरेंट लग रहा है, इसका टेस्ट भी डिफरेंट है। जी, आप खाएं ना फिर आपको अंदाजा होगा। इसमें जो चिकन की लेयर्स हैं, ये दो हैं, ये डबल, ये तो बहुत ट्रिपल हैवी जो है वो, बिल्कुल डबल डेकर और ट्रिपल डेकर बर्गर भी है हमारे पास, चिकन में और बीफ में भी। ये बहुत हैवी और बहुत ही यम्मी है, ये देखें। और चिकन जो ग्रिल हुआ है ना, वो बहुत कमाल का हुआ है। देसी में यहाँ पे बारबेक्यू लोग बहुत पसंद करते हैं, खास तौर पर जब फैमिलीज बाहर खाने जाते हैं, तो बारबेक्यू जो है वो एक ये स्पेशल आइटम होती है किसी भी रेस्टोरेंट की, और इसी से अंदाजा होता है कि इस रेस्टोरेंट किचन में कितनी जान है। हसन भाई मैं अकेला ही खा रहा हूँ, ये आप भी खाएं और ये सब कुछ मुझे ना खिलाएं, खुद भी खाएं और चेक करके मुझे बताएं कि इस बारबेक्यू का टेस्ट कैसा है। मैंने तो ऑनेस्ट रिव्यू देना है। क्या बात। ये सॉस ले लेते हैं। जात भाई पता आपको पंजाबी की मिसाल है, तो माँ पुत्र में भैड़ा नहीं आती, भावे सारे भैड़े होंगे, भावे सारे चंगे होते। ये अलहमदुलिल्लाह सारे खाने आप टेस्ट कर रहे हैं, ये तो अच्छे अलहमदुलिल्लाह, ठीक है। तो ये जी हमारे अपने खाने अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट टेस्ट और डिफरेंट नई आइटम लोगे, ठीक है। और यही क्योंकि स्पेशलिटी होती है, जब फैमिलीज लोग बाहर खाने निकलते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि आज कुछ मुनफरिद खाया जाए। बिल्कुल, घर में वो खा के तंग आ जाते हैं रोज रूटीन के, तो यहाँ पे जब बाहर निकला जाता है दोस्त फैमिली, तो उनकी कोशिश होती है कि कोई मुनफरिद चीज खाई जाए। अगर मैं बारबेक्यू तो पास है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त और डिफरेंट टेस्ट है। और जो बारबेक्यू का टेस्ट होना चाहिए, उसके मसाले जात का बैलेंस होना, वो सब कुछ परफेक्ट है। आपकी पसंद का कौन सा है और कौन सा और ट्राई किया जाए? देखिए जात भाई आपने तो सब टेस्ट कर लिए है, कढ़ाइयाँ भी आप खाते हैं घर जाके हर रेस्टोरेंट पे, तो आपको क्यों ना ऐसा करे इटालियन विद राइस आपको टेस्ट। इटालियन, ये देखे वाह जी वाह, ये देखे वाह जी वाह, ये इटालियन डिश है स्पेशल। साथ में इसके आप थोड़े से राइस लेना, चिकन इटालियन विद राइस, और ये देखे क्या बात है, ये टेस्ट करें आप। कढ़ाइयाँ तो हर हम भी दे रहे हैं, अच्छी हैं, ये भी नई डिश आई है वो टेस्ट करें आप, मैं भी टेस्ट करता हूँ आपके साथ। नाज़रीन ये इटालियन विद राइस जो है ना, ये भी डिश मैं अपनी लाइफ में पहली दफा खा रहा हूँ। मुझे लगा जब ये सामने पड़ा, मुझे लगा कुछ चाइनीज है, जैसे मंचूरियन टाइप और इस तरह की डिश है, लेकिन ये वाकई ही बहुत ही कमाल की और इस यूनिक टेस्ट के साथ है। इटालियन विद राइस, इटालियन चिकन विद राइस। तो मैंने चाइनीज तो खाया है, लेकिन ये इटालियन जो है वो मैं पहली दफ़ा खा रहा हूँ। नाज़रीन मैं बन्नू बीफ नली पुलाव के साथ साथ यहाँ के तमाम खाने जो हैं बहुत ही मज़े के हैं और बहुत ही मुनफरिद हैं। मैं यहाँ पे कुछ और सोच के आया था, लेकिन अब जो मैं यहाँ से ये सारे खाने खा के और देख कर वापस जाऊँगा, तो इस रेस्टोरेंट के बारे में मेरे अलग से रिव्यू हैं, जो ये हैं कि यहाँ पे ना सिर्फ देसी, आप समझेंगे कि बन्नू बीफ नली पुलाव पे मैं जाऊँगा तो शायद वहाँ पे बन्नू बीफ नली पुलाव ही मिलेगा, नहीं, यहाँ पे और तमाम देसी और ऐसी सिग्नेचर डिशेस मिलेंगी पूरे यूएई में, और कहीं नहीं मिलेंगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।